संभाली तुम यहाँ इस वक्त? हाँ अर्जुन, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। शेफाली, हमारा इस तरह मेरे कमरे में मिलना ठीक नहीं। अर्जुन, पर बात ही कुछ ऐसी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था। ठीक है, यहाँ नहीं, ऊपर टेरेस पे चल के बात करते हैं। चलो अर्जुन प्लीज, मुझसे और इंतजार नहीं होता। दरवाजा खुला है। अर्जुन, दरवाजा मैंने लॉक कर दिया था। अर्जुन, दरवाजा कहाँ खुला था? और तुम भी ना बस। अब तुम्हें इस वक्त क्या चाहिए? वो अर्जुन को जूस देने आई थी। शेफाली, तुम्हें इस तरह दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए था। सोचो, अगर भवरी की जगह कोई बड़ा आ गया होता तो क्या अर्जुन, हमने कोई पाप तो नहीं किया जो हमें इतना डरना चाहिए? और अगर कोई बड़े आ भी गए होते तो जो बात उन्हें पता नहीं है वो उन्हें पता चल जाती। अर्जुन, ये मेरे और युवराज के डिवोर्स पेपर्स हैं। और ये बात मैं सिर्फ तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती थी अर्जुन, और इसीलिए मैंने दरवाजा लॉक किया। शेफाली गो, तुम जाओ यहां से, हम सुबह बात करेंगे। सुबह तो मेरे लिए उस दिन होगी अर्जुन, जिस दिन मैं युवराज को ये पेपर्स उसके हाथ में दूंगी और अपना इंतकाम पूरा करूंगी। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और उस दिन मैं सबके सामने उसका पर्दाफाश करूंगी इन डिवोर्स पेपर्स के साथ। राज के साथ डिवोर्स? शिवानी, इन पेपर्स के जरिए जो बात तुम सबसे छुपाना चाहती थी वो सबके सामने आ जाएगी। कभी ना कभी सबको ये बात पता चलेगी ना अर्जुन, और तब मनस्वी भाभी हमारे साथ न्याय करेंगी ना। कहो अर्जुन। शिवानी, रात बहुत हो चुकी है, तुम इस वक्त अपने कमरे में जाओ और ये पेपर्स मुझे देके जाओ। नहीं अर्जुन, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। शेफाली, वक्त आने पे मैं ये पेपर्स तुम्हें खुद दे दूंगा। अर्जुन, वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। जानता हूं नहीं है वक्त, इसीलिए इस वक्त का हमें इंतजार करना होगा। प्लीज। अर्जुन, दरवाजा कहाँ खुला था? और तुम भी ना बस। भूमि, 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 कहाँ खोई हुई हो? कुछ नहीं। अच्छा देख, मैंने शेफाली बहू के लिए कॉफी बना ली है,
पर कॉफी तो मैं बना रही थी। तू बना रही थी? ये क्या बना रही थी तू? समझ गया, जब से तुम्हारी वजह संग से सगाई हुई है तब से तूने दूसरों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है, बस उन्हीं के सपनों में खोई रहती हो। अच्छा मैं शेफाली बू को कॉफी देकर आता हूँ, तू जल्द सब्जी बना। गानू काका, कॉफी मैं दे आती हूँ, आप सब्जी बना लीजिए। ठीक है बाबा, जा। भाभी रख दो। देख लिया जी? यही कि अर्जुन यहां है या नहीं। भाभी अब मुझे गलत समझ रही हैं। ओह, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसे सोचना चाहिए। नहीं भाभी, आप तो पढ़ी लिखी हैं, भला मैं आपको कैसे समझा सकती हूँ जो हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? ऐसा क्या देख लिया तुमने? आप और अर्जुन, मेरे और अर्जुन के बारे में सोचना बंद कर दो भूमिका, अपने बारे में सोचो। भाभी मुझे आपका तो पता नहीं, लेकिन जहां तक अर्जुन का सवाल है, मैं जिंदगी भर उसके बारे में सोचती रहूंगी। दोस्त है वो मेरा, मालिक है वो तुम्हारा। जानती हूँ भाभी, इस रिश्ते को भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम इस रिश्ते तक ही सीमित रखो अपने आप को। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाभी, बल्कि मैं तो सोचती हूँ कि सब लोगों को अपने अपने रिश्तों के दायरे में ही रहना चाहिए। मुझसे बहस करोगी? नहीं भाभी, मैं तो बस आप ही की बात दोहरा रही हूँ। इस परिवार और उसके किसी भी सदस्य से अब तुम्हारा कोई लगाव नहीं होना चाहिए। मत भूलो कि तुम्हारी शादी होने जा रही है। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचो और दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी बंद करो। भाभी मेरा घर परिवार को भूलना नामुमकिन है। और हाँ, एक बार फिर आप ही की ही बात दोहराना चाहती हूँ। भाभी आपकी युवराज से शादी हो चुकी है, तो फिर इस Shut up! Get out! I said get out! भाभी आप तो बदनाम होंगी, लेकिन आपके साथ साथ अर्जुन भी बदनाम होगा इस घर में। और अर्जुन को बदनाम होते हुए मैं कभी देख नहीं सकती। और वैसे आपको तो युवराज के बारे में सोचना चाहिए, अर्जुन के बारे में नहीं। अपनी हैसियत में ना रहने की यही सजा है। बिल्कुल सही कहा आपने भाभी, इस चांटे से आपने मुझे अपनी हैसियत जरूर याद दिला दी है। लेकिन भाभी कुछ चांटे ऐसे होते हैं जो लगते नहीं, मगर उनकी गूंज हमेशा सुनाई देती है। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।